और बाबा क्या कर रहे हो ये? ये मिसाइल कर रहा हूँ मैं उमर भाई, लाइट का जो है ना सेटअप सही नहीं आ रहा, बोर्ड नहीं लग रहा। भैया हमने लगाया इधर दिखाएंगे, एक्सटेंशन लगाया इसको लगाने के लिए इस वाले फ्रेम के लिए, तो ये सेटिंग नहीं बन रही थी और हमने ये फ्रेम में लगे हैं, तो हमने कहा इसको थोड़ा सा फाइल अप कर लें ताकि बोर्ड की जगह बन जाए और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट किया ना इंशाल्लाह कम्प्लीट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब ये हैं अदनान भाई, हमारे यहाँ इधर कोई भी आता है ना तो वो ये ना समझे कि वो बस बैठ के काम देखेगा, वो काम करेगा भी। तो ये देख लें आप क्या कहते हैं अदनान भाई, करना पड़ेगा भाई। मसला ये कि अगर ये आपको अपनी चीज़ के लिए अगर खूबसूरती और फिजिकल अगर चाहिए तो आपको कुछ खुद अपने पास से दिमाग लगा के मेहनत करनी पड़ेगी और ये उसका एक नमूना है। हो गया, अभी इसमें और काम करना है। मतलब इस ये पतरी जो है ना ये इतनी पतली है तो इस पर अभी ना गैस वेल्डिंग करके ना इस पर मोटी वाली वॉशर लगानी है ताकि ये वाइब्रेशन के थ्रू ना फिर लाइट डैमेज ना हो उसकी पतरी ना, तो और मजबूत करेंगे। चलें आपको काम दिखाते हैं। तो इसमें हमने पहले भी काम किया है, पहले हमने इसमें ये इस तरह की लाइट लगाई थी, उस वक्त वीडियो नहीं बनाई शूटिंग की तो उसका भी रिव्यू करवा देते। तो एक ये लाइट लगाई थी, ये स्टॉक वायरिंग पे एक्सटेंड बार लगाए थे, फिर ये चार्जर लगाया था तो ये वही लाइट। अच्छा, चार्जर के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ एक इसका ये फ्यूज़ होता है, ठीक है, जो इसके अंदर लगा हुआ है। एक इसकी मैं वायरिंग डायरेक्ट लेके जाता हूँ बैटरी टर्मिनल पे, ठीक है, तो वो बैटरी टर्मिनल से इसको सप्लाई जो है ना चार्जर को मैं डायरेक्ट देता हूँ और उसका एक फ्यूज़ मैं इधर लगाता हूँ करीब इमीडिएट बैटरी के साथ जो यहाँ से सप्लाई जा रही हो। वो फ्यूज़ लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी ये जो जितनी भी वायर है ना ये सेफ़ हो जाए। अगर ये वायरिंग में पीछे एक शॉर्ट सर्किट होता है तो वो इस फ्यूज़ को तो उड़ा देगा, आपका चार्जर सेफ हो जाएगा, बट ये जो सारी वायरिंग है ना ये अगर जली तो ये बाकी की वायरिंग को डैमेज करेगा, तो इसलिए मैं इधर ये फ्यूज़ लगाता हूँ। बाकी ये देखें आप, एक रिले जो है ये लाइट हमने इंस्टॉल कर दी है ये वाली, ठीक है, ये जो दो हैं ये तकरीबन 35-35 वाट की हैं, तो इसके लिए हमने अलग से जो है ना इधर सप्लाई दी है रिले के थ्रू। ये फिर पूरी जा रही है, ये देखें यहाँ से प्रॉपर स्लीव के साथ इंसुलेशन के साथ ये इधर हेडलाइट, हेडलाइट हमने फिक्स कर दी है, इसकी स्टॉक लाइट है, हेडलाइट सही है। और इस लाइट को मैंने करंट जो है ना अलग ही बॉडी अर्थ दिया है, ये सही है। और ये हमारे नेगेटिव पॉजिटिव जो लाइट हमने इंस्टॉल करनी है एक्स्ट्रा, एक इस जगह एक इस जगह, वहाँ पे इसकी सप्लाई आ गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वायरिंग को सॉर्ट आउट किया है, सेफ किया है, कहीं से भी एक्स्ट्रा वायर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इन्होंने सोल्डरिंग की हुई है कॉइल को, कॉइल के थिम्बल भी लूज़ हो जाते हैं तो ये सोल्ड आउट किया हुआ, इस पर प्रॉपर टैप किया हुआ, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह काम कंप्लीट करके आपको अपडेट करते हैं। हमारी ये जो लाइट्स हैं इसका काम कंप्लीट हो गया, ये नीचे दो लाइट्स हो गई इस तरह की क्रैश गार्ड पे, और ऊपर दो लाइट्स हो गए और ये स्टॉक लाइट, और बस यही काम था। रिव्यू लेते हैं जी अदनान भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतरीन हो गया है, क्लिप टू क्लिप काम है। उमर भाई के पास आने की वजह यही होती है कि क्लिप टू क्लिप काम हो, वरना काम करने वाले मार्केट में बहुत बैठे हैं, लेकिन पता है कि गाड़ी से एक्सपीरियंस रहा है कि इधर तार काटा अपनी मर्जी से छीन के लगा दिया, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप टू क्लिप काम हुआ है और काम से 100% वो उतना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जी ये थे हमारे अदनान भाई, काम करवाने आए थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम इस वक्त कंप्लीट हो गया, बट टेस्ट लेते हैं इंशाल्लाह तो आपको बताते हैं। न्यूज़ अदनान भाई ने कहा कि मेरी बैटरी की हेल्थ चेक करके बताएं, तो ये बैटरी टेस्टर है मेरे पास, तो यूनिटी का है, इसकी बैटरी की हेल्थ जो है मैंने चेक की है तो ये बता रहा है स्टेट ऑफ हेल्थ जो है 100% है, स्टेट ऑफ चार्ज भी 100% चार्ज है, और इसकी रेजिस्टेंस जो है ना 28.86 यानी कि सेल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत अच्छी है, तो बैटरी हेल्थ भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, फुली चार्ज बता भी रहा है, गुड बैटरी और ग्रीन सिग्नल भी दे रहा है, तो माशाल्लाह बैटरी भी इनकी ज़बरदस्त है। ओके अच्छा जी, अब लाइट चेक करते हैं ओवरऑल। ये फ्लूट लाइट खुली, फ्लूट लाइट का राउंड शेप इस तरह का आ रहा है, और अब मैं खोलता हूँ उसमें स्पॉट लाइट,
स्पॉटलाइट ऑन कर दी। स्पॉटलाइट ऑन करके ये टोटल इसका व्यू आ रहा है माशाल्लाह से, बिल्कुल बेहतरीन परफेक्ट जैसा चाह रहा था वही।